हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज फिर एक और न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। एंड सुबह का टाइम है और मैं अपना सारा काम ख़त्म करके नहा धो के अभी आ गई हूँ। माँ का पूजा करूँगी, उसके बाद मैं जा रही हूँ किचन में। से आज यूजुअल रूटीन ही है यहाँ पर। मैं एक साथ ही लंच एंड टिफ़िन मेरा बन जाता है सुबह से। तो पहले मैंने डालमा यहाँ पर एक साइड में मैंने डालमा का लगा दिया है गैस में, और एक साइड में मैं उपमा के लिए रेडी कर रही हूँ। वेजिटेबल वगैरह सब काट के यहाँ पे रख दिया है, और मेरा इंडक्शन में मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। पहले मैं डालमा को छोंक लगा दिया, फिर अभी उपमा का काम करूँगी। इसको मैं सरसों और वही जो लाल मिर्च उसमें छोंक लगा दूँगी। पहले से उसको सूजी को रोस्ट करके रख दिया था, और यहाँ पर मैंने वेजिटेबल जो है गाजर है, कैप्सिकम है, आलू है, बीन्स है, टमाटर है, ये सबको काट के मैंने रख दिया है। जैसे ये सब पहले मैं उसको चटक लूँगी सरसों और लाल मिर्च में, फिर जाके वेजिटेबल ऐड करूँगी। उसके बाद हल्दी और नमक ऐड करके उसको कवर करके रख दूँगी ताकि थोड़ा गल जाए। उसके बाद मैं सूजी जो रोस्ट किया, ड्राई रोस्ट किया है, उसको डाल दूँगी ताकि मेरा उपमा अच्छे से बन जाएगा। और बीच में मैंने अपना जो डालमा का पाउडर बनाया था, जीरा और लाल मिर्च वो रोस्ट करके वो डालमा पाउडर है उसको भी डाल दिया है। और यहाँ पे अब मेरा उपमा बन गया है। मैं जा रही हूँ बच्चों को टिफिन दे दूँगी, खुशी को देख लूँगी थोड़ा, बस उन दोनों को खाना दे दूँगी। उपमा और रात का सब्जी है वही दोनों दे दूँगी। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ प्रिपेयर करने आम, कच्चे आम का खट्टा। आरती लाया था कंपनी से, अच्छा है वो, ज़्यादा खट्टा नहीं है वो आम, अच्छा लगता है टेस्ट में। वो लाए हैं 3-4 आम है, तो उसी को मैं खट्टा बनाऊँगी। वही उसको पहले अदरक और करी पत्ता और लाल मिर्च में पहले चटक चटका दूँगी, चोंक लगा के, फिर आम को कच्चे आम को डालूँगी। फिर जैसे ही वो नमक और हल्दी में थोड़ा गल जाएगा, फिर उसके बाद वही जो गुड़ है डाल दूँगी और थोड़ा पानी डालूँगी, और ऐसे कवर करके पीछे से ओवर करके वो खट्टा रेडी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सुबह का वो जो झंझट सा काम था ना, वो ख़त्म हो गया और पूरा लंच बना दिया। वो चावल और डालमा और मैंगो और आम का खट्टा और एक धनिया का चटनी, वो सब बन गया। और हस्बैंड को भी उन्होंने उनको भी टिफिन दे दिया। वो लंच लेके चले गए ऑफिस। और अभी चलते हो बच्चों के पास, क्या करते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ आदि के पास, वो बारंदा में बैठा है। देखिए, मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था एक पेन स्टैंड इसने किया था कार्डबोर्ड से, उसी को अभी क्या क्या कर रहा है तू, उसी को डेकोरेट कर रहा है, उसका फाइनल टच दे रहा है। छोटे भाई के लिए लेके जाएगा ना गांव में। और उसके पास मेरे पास जितने भी फैब्रिक था, रिजेक्टेड फैब्रिक, उसी से उसका कुछ मेकओवर करेगा। तो अभी ये काट रहा है, जैसे ही करेगा मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और खुशी, ये है खुशी। आओ मामा, इधर आओ मामा, आओ। फिर कुछ हो गया, फिर गुस्सा हो गई। ओह, कितना मतलब क्या करूँ इस लड़के का। कभी कभी मेरा पेशेंस नहीं रहता कुछ भी बोल दो पूरा गुस्सा हो गया। कहीं दरवाजे के पीछे, कहीं पेड़ के पीछे, कहीं पर बेड के एक कॉर्नर में जाके छुप जाते, कहीं पर चेयर के पीछे, ऐसे ऐसे करती है। आ आ आ, क्या हुआ, क्या बोलो, इधर आओ, इधर आओ मम्मा, आओ आओ। से गुस्सा हो गया, कैसे फेंक रही है, देखिए। आ और यहाँ पर आदि का काम कंटिन्यू चल रहा है, उसका वो चुटिया है वो ख़त्म नहीं हुआ। और अचानक से यहाँ पर बारिश आ गया, मतलब थोड़ा थोड़ा हवा आ रहा था। 12 बजे तक हवा आ रहा था, पता नहीं अचानक से इतना ज़ोर से बारिश हो रहा है, मतलब बाप रे, आप देखिए कितना जोर से। और एक चीज़ यहाँ पर, वैसे बारिश होने लगा, फिर उसके मतलब 15-20 मिनट के बाद स्टार्ट हो गया वो। आइस गिरता है ना आसान से, वो देखिए कितना जोर से गिर रहा है। सामान पर ये दोनों देख सकते हैं कि अंदर आ गया है, मतलब दीवार गीला है, कांच गीला है और चारों तरफ बहुत अंदर सारा घुस गया है। इतना आइस गिरता कि मैं बच्चों को खाना दे रही थी, मैं उठ के और बाहर सब नजर रख हुआ है। डर लगता है, वहाँ पर सीलिंग फट गया तो गया काम से गया, घर में सारा सारा पानी आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर खड़े होकर डरे हैं, बच्चे खा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर इतना बड़ा किचन, मेरा एक बारंदा और रूम क्रॉस करके किचन है, वहाँ तक इतना स्पीड से आ रहा है ये आई, मतलब पीछे ऐसे ही एक दो
2 घंटा इस तरह चलता रहा बारिश। अभी बहुत देर के बाद 1-1.5 घंटे के बाद बारिश खत्म हुआ है और फिर भी लाइटनिंग कभी हो रहा है, इसलिए बाहर नहीं जा रही हूँ। और भी ब्लॉग को मोबाइल मतलब नहीं पकड़ूँगी, मैं कैमरा नहीं पकड़ूँगी, डर लग रहा है। तो दोस्तों आप थोड़ा समझा कर मतलब गलत मत समझिएगा, मैं अपने ब्लॉग को आज यही एंड कर देती हूँ और आपके साथ मिलूँगी और एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय एंड टेक केयर, सी यू।